Hey friends, how are you all? I hope you all are good and staying safe at your homes. So, this vlog is going to be very exciting. So, ये जो vlog है, ये है मेरी मामा का birthday and just see कि ये जो जितनी भी you know decoration और जो भी ये setup किया है ना, मेरे brother ने किया and I really love this setup a lot. सो ये जस्सी की उसने ऐसे फैन पे ना मतलब वो किया था लाइक ऐसे सब चीज अलग अलग गिफ्ट्स जो वो लेके आया था ना उसे बांध दिए थे एंड यहाँ पे ये मम्मी को लेके आ रहा है मतलब ऐसे आईज क्लोज करके और उसने एक ना येलो कलर की मतलब आई थिंक एलईडी लाइट थी कुछ वो सेटअप की थी जस्सी की यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी. सो आई रियली लव दिस सेटअप अलॉट और ये सेटअप उसने ना मतलब खुद किया था बिकॉज मैं तो रात को ही गई थी और खुद ही अपने आप किया था और ये कह रहा था कि लाइट्स ऑफ रखो मतलब लाइट्स ऑन कर देते हैं एंड जस्ट सी कि इसने ऐसे हैप्पी बर्थडे ना लिखा था ऐसे लाइक फ्लोर पे एंड हैप्पी बर्थडे एंड देन अलग अलग जो गिफ्ट्स थे वो उसने हैंग कर दिए थे फैन पे और यहाँ हैप्पी बर्थडे का ये लगाया था. सो मतलब यू नो ये एक्साइटिंग था एंड कहते हैं ना कि लाइक बच्चे ही मतलब सब कुछ करते हैं तो मतलब उसने खुद ही ये सब सेटअप किया था और एंड ऑल्सो लाइक मेरा जो भाई है ना उसको ना क्रिएटिव चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा शौक है. वो इतना मतलब क्रिएटिव है उसे क्रिएटिविटी इतनी पसंद है सो उसका ना हमेशा माइंड ना क्रिएटिविटी में रहता है. सो मैंने से कहा था कि तुम्हें एक ना व्लॉग बना लेता एक शॉर्ट क्लिप बना लेता ताकि ना मैं वो कर लेती अपने अपने मतलब व्लॉग में वो कर देती शो बट उसको इतना शौक नहीं है यहाँ पे केक था एंड देन या सो बाकी सब अब जो गिफ्ट्स है जस्सी अब लाइट ऑन हो चुकी है एंड उसने ना ऐसे से हैंग किए थे और जो मेरी मम्मा थी अलग अलग करके ना खोल रही थी ऐसे सारे गिफ्ट्स को जितने भी सारे गिफ्ट्स हैं एंड जस्सी की मतलब उसे खुद ऐसा आइडिया आया सो उसकी ना मतलब उसकी क्रिएटिविटी उसको क्रिएटिव चीज़ें करने का इतना शौक है ना मतलब हर किसी को ना उसकी क्रिएटिविटी पसंद आ जाती है. सो वही है कि माइंड एकदम से क्रिएटिव होना चाहिए लाइक एंड ये मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है मतलब ये क्रिएटिव चीज़ें एंड यहाँ पे पापा जो थे वो मम्मी को रिंग पहना रहे थे एंड ऑल्सो यू नो मतलब पेरेंट्स को ना शौक नहीं होता बट हम बच्चों के वजह से ना मतलब पेरेंट्स यू नो अपनी बिजी लाइफ के लाइक अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा फ्री होके ना इन्जॉय कर लेते हैं ये सब चीज़ों को. सो यही मतलब मेरे को बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं. सो मैं ना मतलब लाइक जैसे अब तो चलो ये है कि चलो मैं यूट्यूब पे हूँ बट मेरे को ऐसे मेमोरीज क्रिएट करना और फिर उनको ऐसे यू नो कैप्चर करना और फिर दोबारा उन मेमोरीज को रिवाइव करना देखना सो बहुत अच्छा लगता है बहुत पसंद होता है बिकॉज मैं हमेशा यू नो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है मतलब हमें नहीं पता कि क्या हो जाए क्या नहीं तो हर मोमेंट को ना इंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ का चाहे अच्छा हो या बुरा क्योंकि बुरा वक्त भी अगर आता है ना सिखाने के लिए आता है. सो यही थी यहाँ पे टिक्की जो मम्मी लेके आई थी ना गाजीबाद की स्पेशल टिक्की जिसके अंदर छोले और ये सब मिलते हैं वैसे तो आजकल हर टिक्की में मिलने लग गए हैं बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये टिक्की एंड जस्सी ये है केक ये भी आदित्य ने पहले ही मंगा लिया था. सो ये मेरे को कह रहा था आई थिंक पता नहीं इसने कहाँ से मंगाया था आई थिंक बेकिंगो से मंगाया था और केक भी बहुत टेस्टी था आई डोंट नो द फ्लेवर कि कौन सा था इसका फ्लेवर बट केक सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था टेस्टी था एंड आई रियली लव. सो हमने क्या किया इसके ना साइडों में ऐसे कैंडल लगा दी ताकि ये अच्छा लगे. और हाँ एक चीज़ और बता दूँ ये जो व्लॉग है ना ये तो है पुराना और मेरी जो मम्मा का जो बर्थडे आता है वो 31 दिसंबर को आता है एंड जो सी की अब 31 आने ही वाली है मतलब जनवरी की. तो जब मैं मतलब रिकॉर्ड मतलब इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ऐसे मेमरीज कैप्चर करके ओ आज ही मतलब 31 है जो सी की मतलब एक महीने बाद मैं इस व्लॉग को डाल रही हूँ. आप लोग सोचोगे कि अभी रिसेंटली मेरी मम्मा का बर्थडे था बट नहीं ये 31 दिसंबर का व्लॉग है बिकॉज उसके बीच में यू नो वीडियोस वगैरह आ जाती है कुछ ना कुछ आ जाता है सो दैट इज़ वाई टाइम ही नहीं मिला. सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए यू नो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना शेयर करके ऐसे वो करके ना. सो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे एंड ऐसी फन कर रहे थे एंड बस केक वगैरह खिला रहे थे एंड सो मैंने मम्मी को भी खिलाया केक एंड अब जो केक है मैंने ना उसको अलग अलग कट करके रख दिया और अब बस मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ बाल गोपाल को ये.